अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश फिट फाट हूँ। तो भाई जिसने मेरी सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जाके देख लें, और ताकि बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अभी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, रिव्यू रिएक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बात करेंगे जी, पूरी पंचायत सज कर बैठी थी। वो पंचायत पता है क्यों सज के बैठी थी, इन लोगों ने ना एक नया स्टाइल अपनाया है कि जब भी ना ये लोग थोड़ा टाइम का जब गैप ले लेते हैं ना, है ना, ब्रेक इनका आ जाता है, तो फिर ये लोग ऐसे पंचायत सजा के बैठते हैं और फिर पंचायत में जो है वो अपनी क्लियरिफिकेशन देते हैं, झूठी सच्ची मिला मुलू के, ठीक है, कि अब यानी कि हम आने वाले हैं दोबारा और क्या लाएं क्या ना लाएं। फिर वही वाली पंचायत, जैसे अभी देखा था ना आंटी ने जब ये कॉफ़ी फूड स्टार्ट किया था, जब दोबारा मतलब नए घर में आके जब स्टार्ट किया था, तब भी ये पंचायत सजा के बोला था हम क्या करें, हमारा तो दिमाग ही पूरा खाली हो गया, हम किस पे वीडियो डालें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे वाला सीन था। फिर आकर आंटी ने जो है वो रेगुलर वीडियो डाली, फिर रमज़ान में ब्रेक ले लिया था, फिर रमज़ान के बाद चंगू और आंटी जी जो फिर आकर बैठे थे, फिर आकर आंटी लोग ने बोला कि हम क्या वीडियो डालें, हमारा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। तो भाई इनके दिमाग हर वक्त तो खाली हो जाते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो इनके दिमाग वो खाली हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना याद नहीं रहता कि पहले क्या बोला था, जो वही आके अभी बोलना है, तो उसमें ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर आके झूठ सच अपना लगाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मंगू की बात करती हूँ मैं। सबसे एक तो पता नहीं क्या हो रहा था, सीरियस बात करने आए थे, लोगों के कमेंट का जवाब देने के लिए आए थे, पर उसके अंदर क्या चल रहा था, पहले तू बोल, नहीं पहले तू बोल, नहीं पहले मैं बोलूँगी, देखो ये यूँ हुआ था वो हुआ था, अल्लाह उनका बेड़ा गरक करे, अच्छा अल्लाह उनको गारत करे, अल्लाह उनको, नहीं पहले मैं बोलूँगा। मतलब ये क्या चल रहा था यार, मतलब पब्लिक जो इतनी तुम लोग की वीडियो देख रही, क्या वो बेवकूफ़ है, क्या वो बच्ची है, क्या वो है कौन जो आके तुम लोगों की सिर्फ चीखों पुकार सुने आकर, मतलब क्या हो रहा था उस वीडियो में यार, सिर्फ चीख रहे थे पागलों की तरह, सच में चारों पाँचों छो बैठ गए और वो बस चीखे जा रहे थे, या उस बीच में एक नमूनी भी थी जो अपनी इतनी लंबी लंबी जबान निकाल कर जो है वो जो सिर्फ यूं करे जा रही थी, मतलब बुरी लग रहा था मुझे वो वाला सीन ना उनका, जो खिचड़ी बना रहे थे बैठ के। तो अभी बात करती हूँ मंगू की। तो मंगू साहब ने बोला कि मैं ना अपने ब्लॉग को जो है ना वो एक यादगार बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और मेरी नमूनी जब बुढ़ापे में जाके बैठे ना, तो हमें वो ब्लॉग देख के ना अपने खुशी हो। तो भाई आप वो क्यों नहीं बन जाते फिर, आपको एक एडवाइस है, ये तो व्लॉगिंग चैनल क्यों खोल लिया, वो जो स्टैंडिंग कॉमेडियन क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आता क्या बोलते हैं, वो जो कॉमेडियन होते हैं ना, जैसे कि ये भारती है और भी बहुत सारे लोग हैं ना, कपिल शर्मा जो है ना, तो वो वाले ऐसे आप कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते, ताकि आपको अच्छी वाली यादगार आपको याद रहेगी ना, फिर उसमें हंसते ही रहना। व्लॉगिंग का मतलब तो ये होता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि उसमें आप अपने घर की रूटीन बताते हो, अपनी खुशी अपनी गम अपना हर चीज़ ही शेयर करते हो, है ना, व्लॉगिंग का मतलब तो यही होता है ना। तो फिर आप कौन सी अनोखी व्लॉगिंग करना चाहते हो, आज तक हम जिनके भी व्लॉग देखते आ रहे हैं, किसी के जितने भी मिलियन बिलियन जितने भी जिनके सब्सक्राइबर हो गए व्लॉगिंग करने वालों के, तो वो लोग अपनी खुशी अपनी गम हर चीज़ शेयर करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हो अपनी पब्लिक के साथ। एक तरफा बोलते हो कि हमारी पब्लिक, आप हमारी फैमिली हो, हमारे रिश्तेदारों से बढ़कर हो, पूरे जहान को अपनी बहू का चेहरा दिखा दिया है, छुपाया तो अपने व्यूअर्स से छुपाया, काहे बात की फैमिली आपकी है, झूठ बोलते हो यानी आप लोग के लिए फैमिली नहीं है, आप लोगों के ये लोग जो है ना एक कमाई का जरिया है। और दूसरी बात के मंगू साहब ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा कमा लिया है कि बैठ के भी खाएं तो कमी नहीं है। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि आपने पैसा अपना इतना कमा लिया, अल्लाह पाक और बरकत दे आपके पैसे में कि आपको अब बैठ के भी खाओगे तो कमी नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, चार साल से इतना तगड़ा वाला बेवकूफ़ जो पब्लिक को बना रहे हो, झूठ सर बातें जो लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा तो फिर कमा ही लिया होगा, तो फिर अब क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। तो बीवी बच्चों के साथ अपने टाइम गुजारो, अपनी माँ की खिदमत करो, है ना, जन्नत मिलेगी माँ की खिदमत करोगे, तो क्यों अपनी फजूल की एनर्जी ज़ाया करनी, अपनी अकेले ही वीडियो बनाओ। और हाँ एक बात और बोली थी कि ये कमेंट सेक्शन का ऑप्शन जो है ना वो आप लोगों को हमने ही दिया हुआ है, हम चाहें तो ना दें। बिल्कुल सही बोला आपने कि ये कमेंट सेक्शन का ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने ही दिया हुआ है, कि अगर आप लोग चाहें तो इस कमेंट सेक्शन के ऑप्शन को जो है वो ऑफ भी कर सकते हो, ताकि कोई कमेंट ना करे। वैसे भी आप लोग बैड कमेंट जो है वो अपने उड़ा ही देते हो, है ना, ब्लॉक कर देते हो बहुत सारे लोगों को,
तो भाई वीडियो भी आप लोगों ने बोला कि हम तो अपने लिए डालते हैं, अपनी खुशी के लिए डालते हो, भाई आपको इतनी ही खुशी है और आपने इतना ही ज़्यादा कमा लिया है, अपने व्लॉग बनाओ, अपने अपने व्लॉग को प्राइवेट करके रखो और अकेले बैठ के देखते रहना, क्यों दिखा रहे हो पब्लिक को फिर, ताकि पब्लिक आपसे सवाल ही ना करे, है ना। मैं तो मतलब अब यही बात ही बोलूँगी ना इनको, आप लोग की क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि जब इतने ही बातें कर रहे हैं, इतने ही बुरे लग रहे हैं इन्हें लोगों के कमेंट, क्या है ना हर कोई जो है ना वो दोगला नहीं होता, हर कोई जो है वो क्या बोलते हैं चापलूसी पना नहीं करता, हर किसी को जो है ना वो चमचा बनने का शौक नहीं होता आपका, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी बात वो रखते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो भेड़ चाल नहीं चलते कि चार ने अगर अच्छा कमेंट करा तो बस ये अच्छे ही हैं, इनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। कितनी सारी बातें मैंने आप लोगों को इनकी पकड़ पकड़ के बताई है कि ये लोग ने पहले कुछ बोला अभी कुछ बोला। अभी एक और बात पकड़ के बताती हूँ, जब बड़ी मैडम जो है आई थी लाइव बाबू भैया के साथ, उस वक्त इन्होंने बाबू भैया के साथ आई थी, पता नहीं अकेले आई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने बोला था मेरी बहन ना बड़ी डिप्रेशन में चली गई है, तुम लोग की वीडियो देख देख के, इन लोगों की वीडियो देख के, लोगों के कमेंट देख के मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई है, और वो तो अपने साथ भी कुछ करना चाहती थी, मतलब अपने आप को कोई जानी नुकसान पहुँचाना चाहती थी, कुछ इस तरह की बात की थी ना, याद होगा सभी को, मेरे बहन भाइयों को, है ना। तो ये बहन ने तो आकर पोल पट्टी खोल दी भाई, बहन ने तो आके बोला कसम खुदा की भाई मैं तो तुम लोग की किसी की वीडियो ही नहीं देखती हूँ, तो अभी दोनों में से सच्चा कौन है, बड़ी मैडम सच्ची है या छोटी मैडम सच्ची है। इतनी बड़ी कसम, मतलब खुदा की कसम खा ली, अल्लाह की उसने कसम खा ली और बोला कि मैं तो किसी की वीडियो देखती ही नहीं हूँ, और एक तरफ बहन बोल रही है कि मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई तुम लोग की वीडियो में। तो पहले डिसाइड कर लेते कि बोलना क्या है, सिर्फ व्यूज़ कमाने थे मैडम जी को। कुछ लोगों ने जो ये बात बोली ना कि अभी ये मंगू की वीडियो नहीं आ रही, आंटी की वीडियो नहीं आ रही, छोटी मैडम की वीडियो नहीं आ रही, तो अभी तो मैडम की हो गई है चांदी चांदी, तो बस मैडम को व्यूज़ कमाने थे, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो बस समझ जाओ फिर कितने डॉलर आ गए उस हिसाब से, है ना। तो डॉलर कमाने तो डॉलर कमा लिया, अब सच बोले झूठ बोले, अब उसमें जब लोग ये बात बोलेंगे कि आपने तो पहले कुछ बोला था अभी कुछ बोला, तो ये हमारे हेटर हैं, ये हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी से जलते हैं, आपकी कामयाबी से कोई नहीं जलता। और हाँ एक झूठ और भाई, वो रणबीर साहब जो थे शेफ रणबीर, ठीक है, शेफ रणबीर ने इनके चैनल का नाम तो इनका नहीं लिया, माँ बेटा करके बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो अफरोज़ आंटी भी तो आती हैं अपने बेटे के साथ, हाँ बिल्कुल आती हैं, पर उन्होंने एक क्लियर मतलब जिस तरह का इशारा दिया, तो उस इशारे में देखो यही लोग ही लगते हैं, इस बात में ना बहस करनी देखो बेकार है, जहाँ पे सही है तो देखो सही बोलो, जहाँ पे गलत हो ना तो वहाँ पे गलत बोलो, ठीक है। तो उसमें साफ पता लग रहा था कि इनके ही चैनल की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने 2 मिलियन सब्सक्राइबर का भी बोला, फिर उन्होंने बोला लास्ट में बैठ के जो है अम्मा बेटे फिर खाते हैं मज़े से बैठ के, तो फिर वो इन्हीं का ही चैनल है, ठीक है ना, हमने वो बात तो मान ली। पर वो इतने बड़े शेफ होके इन लोगों का नाम लेते हुए उन्होंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करी, अपने आप में उन्होंने बिल्कुल भी छोटापन महसूस नहीं करा, और कितनी शान से उन्होंने बताया। अच्छा, उनके बताने के बाद वो फौरन से आंटी जी चंगू ने बोला, और हमारे अम्मी का भी जो है ना वो नाम है, अम्मी आपका नाम लिया था ना शेफ रणवीर ने, और एक बात बताऊं मैं कि वो अम्मी भी जो है ना ये कॉपी फूड आने से पहले, अम्मी आप किसकी वीडियो देखते थे, अम्मा भी फौरन बोली हाँ शेफ रणवीर की देखती थी, इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना, 3 साल 4 साल जितने भी साल आंटी को हो गए कभी किसी ने सुना आंटी के मुंह से कि आंटी भी शेफ रणवीर की वीडियो देखती थी, उन्हें मतलब उनकी वीडियो को पसंद करती थी, उनकी वीडियो से सीखती थी, कभी किसी ने सुना, पर आज आंटी को याद आ गया जब उन्होंने इतने बड़े वो हो के, भले आंटी से एज में छोटे होंगे पर अपने टैलेंट में तो वो आंटी से बहुत आगे है ना, और फिर सब्सक्राइबर का खेल ये लोग बहुत खेलते हैं, सब्सक्राइबर पर घमंड इन लोग को बहुत है, तो भाई उसमें भी वो आंटी से बहुत ऊपर है, पता नहीं 5 मिलियन या 6 मिलियन कुछ ऐसे थे ना, या 7 मिलियन थे, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, पर कुछ ऐसे थे, मैंने देखा था उनका चैनल, और मैं बहुत पहले से नहीं देख रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो जानती भी नहीं थी, पर जब इनकी ये वीडियोस आई है ना तो मैं जब देखा, वरना मैं एक ही कोई जानती हूँ इंडिया के जो है ना, वो मतलब मेरे बहुत फेवरेट हैं, जिनका खाना खजाना शो आता था ना, तो बस मेरे को वही पसंद है, मतलब उनकी ही वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
तो खैर यहाँ पर बात यह है झूठ बोलने की कर रही थी कि झूठ सच आके मिला मुलू कर जो है वो बात रखी। उसके बाद नमूनी मैडम भी शुरू हो गई, अरे मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, ये मेरा मायका है, अरे बेशरम औरत जीते जी अपने माँ बाप को मारती है और इतनी शान से बैठकर बोलती है कि यही मेरा मायका है, यही मेरा ससुराल है। तो भाई इस रिश्ते से तो भाई बहन हो गए तुम लोग, इस रिश्ते से तो तुम लोग भाई बहन हो गए, जो इतनी तस्बीह ससुराल में के की ससुराल में के की। और जीते जी यार ये कैसे अपने माँ बाप को ऐसे बोल देती है, सच में मेरे को सिर्फ ये इसी बात की, सिर्फ एक यही मेरी बात है कि जिस वजह से मुझे ना ये लेडीज़ पसंद नहीं आती बिल्कुल भी, कि अपने जीते जी जीते जीते जागते अपने माँ बाप को इसने कैसा एकदम से बोल देती है कि वो तो है ही नहीं करके। कितना बड़ा दिल और कितनी बहादुर औरत है ये, है ना, इसे बहादुरी बोलो या बेशर्मी बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, बाकी कुछ ना कुछ बोल दो, यही बोलूँगी। तो खैर इस बात के ऊपर मुझे इसके गुस्सा आता है, वो भी हम जो है ना यूँ रहते हम वूँ रहते, अरे भाई बस करो, तुम लोग जितना झूठ बोलते हो ना तो उतना दिख रहा है। और चमचा हर कोई नहीं बन सकता, यही बोलूँगी कि हर कोई चमचा नहीं होता, हर किसी को चमचागिरी जो है ना वो पसंद नहीं होती है। कुछ लोग सच को सच, और मैं इनके अच्छे वाले सब्सक्राइबर को भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी सच को सच और झूठ को झूठ बोला करें, सही को सही, जब वो अच्छा काम करें कुछ अच्छी चीज़ दिखाएं बिल्कुल यार अप्रिशिएट करो उनको, लेकिन अगर वो जब गलत बात बोल रहे हैं गलत चीज़ कर रहे हैं तो उसमें तो उनको बोलो ना, आप लोग भी बोलो कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे आप गलत बात करें, ये गलत मैसेज जा रहा है ना ये लोगों के पास। अभी अभी बोलते हैं, अब जो है ना हमारी छोटी बहन का नाम लेके मंगू ने बोला एक गुड न्यूज़ देते हैं, ये अब से हमारे साथ रहेंगी। तो भाई इसमें गुड न्यूज़ वाली कौन सी बात है, यही तो बात पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जवान लड़की अकेली लड़की, देखो जो होना था उसके नसीब में जो लिखा था वो हो गया, इंशाअल्लाह ताला उसकी शादी आगे होगी, उसका घर आगे अच्छे से अल्लाह पाक बसाएगा, तो फिर उसको अकेले क्यों छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है वो, क्यों आधी आधी रात को अकेले निकल के बैठती है। इनके जो चमचे हैं बहुत सारे, आई एम सॉरी आज मुझे उन लोगों के लिए यही वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है कि जो इतनी चमचागिरी करते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं दिखा कि हम भी तो यही बात बोल रहे थे इतने टाइम से कि भाई उसको अगर वो अब्बा के साथ रहती है छोटे वाले घर में इनके, तो वहाँ पे जाके रहे, वरना तो ये इतना बड़ा घर बनाया है तो इसमें क्या एक कोना उसके लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं रह सकती क्या वो, है ना। अल्लाह ना करे किसी की भी बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा मसला होता है तो वो कहाँ जाएगी, वो माँ बाप के घर ही आती है ना, ये कोई प्रॉपर्टी भाइयों की तो नहीं है ना, माँ बाप की है ना। तो हर लड़की अपने माँ बाप पे ही आएगी ना, जब माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह के माशाल्लाह से ज़िंदा है सही सलामत है तो लड़की वहीं जाएगी। तो हम भी तो इतने टाइम से यही बात बोल रहे थे, और जो अभी उसने 1.5 महीना 2 महीने का 3 महीने का उसने जो ब्रेक लिया है, तो यही ब्रेक अगर वो जिस वक्त वो उसका खुला का आप लोगों ने अनाउंस किया था, यही ब्रेक अगर वो उस वक्त ले लेती तो इसका तो टॉपिक था ही नहीं, है ना। ज़बरदस्ती का कॉपी टॉपिक ज़बरदस्ती का टॉपिक जो है ना इन लोगों ने क्रिएट किया ताकि पब्लिक हमें बोले, ताकि पब्लिक हमें बुरा भला जैसा भी है वो बोले, उसके बाद करना तो वही था, क्यों, क्योंकि दुनिया भी यही बोल रही थी भाई, दुनिया भी यही बोल रही थी। पर इनको क्या है ना, रिश्तेदार भी गलत, इनको इनके सब्सक्राइबर भी गलत, इनके रिएक्शन चैनल वाले भी गलत, सब गलत है, सिर्फ एक यही सही है, ये जो करते हैं जो बोलते हैं जो अपना झूठ सच दिखाते हैं, पब्लिक अंधे लूले लूलो की तरह जो है ना सिर्फ बैठकर बहुत गंदी खांसी हो रही है यार, तो बस पब्लिक जो है ना वो अंधे लूलो की तरह बैठकर इनकी वीडियो देखे और सिर्फ इनको माशाल्लाह सुभान अल्लाह के सिर्फ नारे लगाए, है ना, सिर्फ ये लोग यही चाहते हैं। तो ये हर कोई नहीं करता भाई, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो यही थी, और अगर कुछ बातें रह गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे भी और बातें रह गई हैं वैसे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो बातें भी क्लियर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।